हम मेरे को मैक्सिमम 5 साल हो चुके हैं, पर मेरे को तो आज तक ऐसा लगा नहीं कि मैं सेफ नहीं हूँ। मैं रोज़ जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सिरसा भी गई हूँ, मैं सीकरी भी आती हूँ। कभी ये भी नहीं है कि यार पेरेंट्स ने फ़ोन फोर्स किया कि आप जाओ, पर ऐसा है ही नहीं हमारे साथ। हम खुद आते हैं, हमें तो ऐसा लगा नहीं कि भाई कभी। नमस्कार, आज हम पहुंचे लोगों के बीच जानने की आज क्या है बाबा राम रहीम और क्या है डेरा सच्चा सौदा। जी आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा। कहाँ से हैं आप? जी मैं SGM नगर एफ ब्लॉक से। 25 अगस्त के बाद एक चर्चित चेहरा है काफी सोशल मीडिया टीवी, बाबा राम रहीम, जानती हैं आप इन्हें? यस, मैं कौन है ये? मैं इनकी भक्त हूँ। जी आप इन्हें जानती हैं, मतलब आप डिवोटी हैं इनकी? यस। कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? मैक्सिमम 5 ईयर्स। 5 साल में कुछ गलत होते देखा आपने? कभी नहीं देखा। किस तरह की शिक्षाएं देते हैं गुरुजी? हर एक टाइप की शिक्षाएं मिलती है। कभी हमें ये नहीं लगा कि इन्होंने जो शिक्षा दी है वो किसी चीज़ में रॉन्ग हो सकती है। किस तरीके के कार्य करते हैं बाबा राम? हर एक टाइप के कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विधवा को हमारे समाज में कोई जगह नहीं मिलती, पर लेकिन इन्होंने क्या किया है कि विधवाओं को अपने पास बुलाया है, उनकी दोबारा शादी करवाई है, उनके लिए सेंटर्स खोले हैं कि ताकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें। वैश्यवृत्ति भी सुना है ये बाबा रुकवाते हैं, किस तरीके से रुकवाते हैं? जी ये ना एक बारी मूवी में भी दिखाया गया है, जैसे इन लोगों कई लोगों ने उनको नेगेटिव वे में भी लिया है, पर लेकिन ऐसा है नहीं जी। बाबा जो हमारे पिताजी हैं, हम उनको पापा बोलते हैं, वो वैश्यवृत्ति वाली गर्ल्स को एक अपने मतलब जो हम बैठ के सिमरन करते हैं, जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पर बिठाते हैं और इनकी दोबारा शादी करवाते हैं। इनको हम मतलब कि जैसे थुत्कारा जाता है कि हम इनसे शादी नहीं, इनकी दोबारा शादी करवाई है, एक इनको नया नाम दिया गया है कि ये अपने घर को रोशन करती हैं, सुख देती हैं। काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं मतलब बाबा राम रहीम। और हमने सुना है 134 से ज़्यादा वेलफेयर वर्क्स करता है डेरा सच्चा सौदा, ये किस तरीके के कार्य? जी लास्ट हमारा पॉल्यूशन के ऊपर हुआ था, तो ये इस तरीके कार्य है कि मतलब कि हम जो गलत हो रहा है उनके ऊपर रोक टोक नहीं लगाते, मतलब हम खुद जैसे सफाई होती है, हम ये भी नहीं कहते कि आप लो जाके करो, वो खुद जाके अपनी सफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो हम उनके पीछे पीछे करते हैं ताकि वो स्वच्छ भारत अभियान हो। मतलब गुरुजी जो कार्य करवाते हैं वो पहले खुद करते हैं? यस, सारी चीज़ें वो पहले खुद करते हैं, फिर वो किसी को कभी फोर्स नहीं करा उन्होंने कि आप आइए ये साफ़ करिए या कुछ कीजिए, वो खुद करते हैं। फिर हम खुद हैं कि हमें भी पता है कि हमारा देश कितना गंदा हो रहा है, तो हम खुद उनको साफ करने जाते हैं। आज बाबा राम रहीम जो सत्संग लगाते थे उनका क्या फ़ायदा था समाज को? जी सत्संग लगाने का समाज को ये फ़ायदा था कि जैसे कि अब हम देखते हैं कि जगह जगह पे नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, पर लेकिन वो क्या करते हैं, आपको 1-2-3 टिप्स दिखा देंगे, 3 महीने 4 महीने ये बोल देंगे, 4 महीने में आपका छूट जाएगा। पर इनके सत्संग में आके हमने खुद देखा है कि 1 घंटा आप इनकी बातों को ध्यान से सुन लोगे तो आपका माइंड खुद डाइवर्ट हो जाएगा कि भाई ये सच्ची में गलत चीज़ है, हमें नहीं लेनी चाहिए। तो 1 घंटे में ये नशा छुड़वा देते हैं और कहते हैं कि यूथ को क्या करना चाहिए जाके। हम ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। जैसे आजकल देखते हैं कि सारी यूथ में एंगर ही एंगर है, मैं खुद मानती हूँ मेरे में बहुत एंगर था, पर लेकिन जब से मेडिटेशन स्टार्ट करी है तो बहुत हो गया, मतलब कंट्रोल आ गया, सेल्फ कंट्रोल आ गया, वरना रोज़ घर में लड़ाई होती थी, पर लेकिन अब सब कंट्रोल में। आप तो एक यूथ है, आपको तो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए, आप इस उम्र में डेरा सच्चा सौदा जैसी संस्था पे क्यों जा रही हैं, और अब तो आपको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। मैं मानती हूँ मैं यूथ हूँ, मुझे स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, पर लेकिन जहाँ पे आपको अपना सेल्फ कंट्रोल पता लगे कि कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है। अगर आपका माइंड ही डाइवर्ट रहेगा तो आप पढ़ाई में कैसे ध्यान दोगे? अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे सकते हो? हम यहाँ आते हैं तो हमें ये ही नहीं पता लगता कि माइंड कंट्रोल कैसे करें या फिर कैसे करना चाहिए। हमें ये भी पता लगता है कि हमारे हेल्थ की टिप्स क्या होती है, मतलब कि कभी हम ये बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बुरा है क्या अच्छा है सब पता लगता है। ब्यूटी टिप्स भी मिलती हैं कि हमें एलोवेरा, जैसे एलोवेरा कितने फ़ायदे हैं, पर हम घिन मानते हैं कि भाई एलोवेरा का जेल लगाना बहुत बेकार है, पर लेकिन इनके टिप्स से पता लगता है कि एलोवेरा कितना अच्छा है। और बाबा राम रहीम आज सत्संग नहीं लगा रहे, इससे कोई नुकसान पड़ा है समाज पर? जी नुकसान तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि 1 घंटे में जितने लाखों करोड़ों का नशा छूट जाता था आजकल छूट ही नहीं रहा है। और कुछ हम इतने मेडिटेशन करते थे, अभी ये पुलिस वालों ने हमारे सब बंद करवा दिया था, उसके वजह से सबके माइंड पे भी फोर्स पड़ा है, नाम चचाए घर भी बंद थे। फिर अब हमने स्टार्ट करा है तो थोड़ा बहुत 10 मिनट ही भले पर हम सिमरन करते तो हमारा माइंड थोड़ा कंट्रोल रहता है, शांति मिलती है। अब ये नहीं हो रहा, सत्संग नहीं हो रहा, पिताजी के वचन हम तक नहीं पहुँच पा रहे, हमें हमारे ना तो टिप्स पता लग रही हैं ना
कोई नशा केंद्र खुल रखे हैं, पर लेकिन एक घंटे में जितने लाखों करोड़ छूट जाते थे वो छूट ही नहीं रहे अब। और रेप अब आपको पता है कि जैसे रेप बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में अभी सडनली हुआ है। अगर हम उनके वचनों को सुनते हैं तो हमें खुद ये होता है कि हम इस चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि वो भी तो हमारी माँ बहन है। पर लेकिन अब जैसे ये होता जा रहा है, आपने सुना होगा जब से गए हैं तब उसके बाद कितने क्राइम्स आ चुके हैं, क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं जब से पिताजी गए। ऐसे संत की आज के समाज को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब ये तो आपने भी सुना ही होगा कि जितने भी संत आए हैं उन पर कभी ऐसा तो हुआ नहीं कोई आरोप ना लगाओ। सबको जो अच्छा काम करता है ना, हम सबको पता जो अच्छा काम करता है उसको एक बार बुराई में ढाला जरूर जाता है ताकि वो छोड़ दे ये सब काम करना। अब कुछ लोग जैसे अब ठेके बंद करवाए जा रहे हैं, अब लोग शराब पीना छोड़ देंगे ठेके बंद हो जाएंगे, स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो बीड़ी वगैरह बिकनी भी बंद हो जाएगी। तो जो ये लोग सेल्स करते हैं उनको ये बुरा लग रहा है कि भाई हमारा धंधा ठप कर रहा है, तो ये ऐसे से फंसा गए हैं जी। आज देश की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि जितना आप अपना ट्रुथ पे जाइए, आप कोई बनावटी ना देखें, ना प्लानिंग प्लॉटिंग में पढ़ो, जो ट्रुथ है वो देखो। अगर इतनी बड़ी बात होती तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।